दोस्तों, मैं श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा 10 सेशन चल रहा है और इसके पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट तक खत्म करा दिया था। तो आज आइए हम उसके आगे पढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए देखते हैं इस टेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे होती हैं, हम इसको समझते हुए चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले आता है हमारा पहचान किसी सेंटेंस को देखकर हम कैसे पहचान करेंगे कि वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है या नहीं है। तो इसके लिए पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, लगा होता है, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, लगा होता है, वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। यानी कि हम लिख सकते हैं वो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तो यह था हमारा पहचान इस प्रकार के टेंसों में, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, लगा होता। तो आइए इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप इतना नोट कर लीजिए। तो हम एग्जांपल देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। जैसे मान लीजिए हमारा कोई एग्जांपल है, और एग्जांपल से पहले आप देखिए कि किस सब्जेक्ट के साथ वाज लगता है और किस सब्जेक्ट के साथ वेयर लगता है। यहाँ आप नोट करके लिख लीजिए, ही सी इट, ही सी इट और सिंगुलर, सिंगुलर नाउन के साथ ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ वास का प्रयोग पहला नोट है। ये ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ वास का उपयोग, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वास का उपयोग प्रयोग करेंगे, और यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ वेयर का यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग। और सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट हमने आपको बता दिया है, ही सी इट, और सिंगुलर नाम जैसे कोई नेम हो गया, सिंगल सिंगल कोई प्लेस हो गया, इस प्रकार का सिंगुलर नाम हो जाएगा। और प्लूरल नाउन में जैसे देख रहे हैं यहाँ पे यू वी दे लिखा हुआ है, इसके साथ साथ जैसे कोई चीज़ समूह में हो तो उसके साथ साथ उसके लिए भी हम वेयर का प्रयोग करें। एक से अधिक चीज़ जो होती है वो हमारी प्लूरल नाउन के अंतर्गत आती है, इसलिए उसके साथ हम वेयर का प्रयोग करें। तो आप इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। इसके बाद हम चलते हैं अपने एग्जांपल। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं।
अब बढ़ते अपने एग्जाम्पल में। समझिए हमारा एग्जाम्पल है, वे क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए आखिरी में रहे थे आया है, यानी कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में है। तो इसको बनाते हैं, हमने स्ट्रक्चर लिखा था सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर वे है, यानी कि वे की इंग्लिश होती है दे, जो कि हमारी प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पर दे, उसके बाद वर्ब आएगी, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है इसके लिए वर्ब आएगी हमारी वेयर। नोट सेकंड में हमने ये चीज़ लिखी थी दे वेयर, हमारा वर्ब है यहाँ पर प्ले, प्ले फर्स्ट फॉर्म होती है, आई एन जी लगाएंगे तो हो जाएगा प्लेइंग मैच, प्लेइंग क्रिकेट। ये हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर, दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट, ये हमारा इसका राइट ट्रांसलेशन बन जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे हमारा एग्जांपल है हम अपना पाठ याद कर रहे, हम अपना पाठ याद कर रहे थे, ये हमारा सेकंड है। आइए इसको बनाते हैं, इसका सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा वी, उसके यह भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए भी बार हमारी आएगी वेयर। याद करने का होता है लर्न, तो हो जाएगा हमारा लर्निंग, वी वेयर लर्निंग, वी का होता है अवर लेसन, ये हो गया हमारा इसका राइट ट्रांसलेशन। हमारा था हमारा वाक्य था हम अपना पाठ याद कर रहे थे, तो उसका हो जाएगा वी वेयर लर्निंग अवर लेसन। तो आप ये एग्जांपल लिख लीजिए, हम इसके बाद अगला एग्जांपल ये देखते हैं। सीता सीता एक मधुर गीत गा रही थी, ये हमारा तीसरा वाक्य है। तो इसका हम बनाते हैं ट्रांसलेशन, सबसे पहले यहाँ पर देखिए सिंगल नेम है, इसलिए हम यहाँ पर सीता लिखते हैं सबसे पहले, सब्जेक्ट हमारा है जो कि, उसके बाद सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमारा क्या था वाज था, तो हम यहाँ पर वाज लिखेंगे, सीता वाज सिंगिंग, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगेगा, अ सॉन्ग, सीता वाज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, यहाँ पर स्वीट हो जाएगा क्योंकि यहाँ बोला गया है मधुर गीत गा रही थी, तो यहाँ पर स्वीट लगा देंगे हम, हो जाएगा हमारा स्वीट सॉन्ग, सीता वाज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, ये हमारा इसका राइट ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो आप ये नोट कर लीजिए कॉपी में। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस की। चलिए आप ये नोट कर लिए होंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब हम इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस की। हमारा अगला है निगेटिव सेंटेंस, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है हम देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर
प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फंक्शन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसमें भी सेम वाज वेयर के बाद नॉट लगा देते हैं और सब कुछ चीज़ें अफर्मेटिव तरह ही रहती हैं, लेकिन निगेटिव होने पर उसको बस यहाँ पर नॉट यूज़ कर देते हैं। तो आइए हम इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है, वे घर नहीं जा रहे थे, ये हमारा वाक्य है। तो आइए इसको बनाते हैं। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा दे, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, तो इसके लिए हमने आपको बताया था वेयर का उपयोग करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा वेयर वर दे वर नॉट गोइंग होम, दे आर नॉट गोइंग होम, ये हमारा इसका राइट ट्रांसलेशन हो जाएगा। जैसा कि आपको देख के स्ट्रक्चर में समझ में आ रहा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाया हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ये प्लूरल है दे, इसके साथ वेयर नॉट का उपयोग करेंगे और सिंगुलर के साथ वाज नॉट का उपयोग करेंगे। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, राम दीवार से नहीं कूद रहा था, राम दीवार से नहीं कूद रहा था। तो इसका बनाते हैं, राम हमारा एक सिंगल सब्जेक्ट है, यहाँ पर हो जाएगा राम सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हम लगाएंगे वाज नॉट, यहाँ पर हो जाएगा वाज नॉट, कूदना का होता है क्लाइंब, तो हो जाएगा क्लाइंबिंग, इसका हमारा हो जाएगा क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग ऑन द दीवार का होता है हमारा वॉल, यानी कि राम इज नॉट क्लाइंबिंग ऑन द वॉल, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप क्लाइंबिंग की जगह जंपिंग भी कर सकते हैं, जंप मतलब भी कूदना होता है, क्लाइंब मतलब भी कूदना होता है। तो ये हमारा दूसरा एग्जांपल हो गया। तो आप ये नोट कर लीजिए, हम तीसरा एग्जांपल दे देते हैं। वह एक वह एक गाय नहीं खरीद रहा था, ये हमारा अगला एग्जांपल है। इसको बनाते हैं, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ही, इसके हिसाब से यहाँ पर वर्ब आएगी हमारी वास, यहाँ पर हो जाएगा नहीं के लिए नॉट, खरीद रहा था यानी कि परचेज, खरीदने का बाई लिख सकते हैं यहाँ पर, बाई बाइंग हो जाएगा यहाँ पर, बाइंग अ काउ, सी वाज नॉट बाइंग अ काउ, ये हमारा इसका राइट ट्रांसलेशन हो जाएगा। वह एक गाय नहीं खरीद रहा था, आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आप इसको उतार लिए होंगे, हम इसको इरेज कर देते हैं।
इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यह हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये हमारा हो जाएगा अगला सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है। इसमें आप लिख लीजिए नोट करके, नोट पहला हो जाता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में आता है वही देखते हैं उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर। हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा उसके लिए वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चर हमारे जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आएगा उसके लिए। सेकेंड नोट लिख लीजिए आप, ये हमारा नोट फर्स्ट का है। सेकेंड नोट जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए वही हम देखते हैं उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। जैसा कि इसके पहले हमने सभी इंट्रोडक्टिव सेंटेंस बताया है आपको कि जो प्रश्नवाचक शब्द आपका आता है बीच में सबसे स्पेलिंग सबसे पहले लिखी जाती है, और इससे पहले सारे वीडियो में सारी चीज़ों में हमने आपको बताया था उसको हम इंडिकेट करते हैं किससे अपने डब्ल्यू एच वर्ड लिखकर। तो यहाँ पर भी हम डब्ल्यू एच वर्ड ही लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वास या वेयर। यहाँ पर भी वास या वेयर हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वेयर, सिंगुलर है तो वास। उसके बाद हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा। तो आप ये उतार लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चलिए आप इसको उतार लिए होंगे, तो आइए हम इसी में थोड़ा सा इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए इसमें थोड़ा सा हम अपडेट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे इसको। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर निगेटिव लगने का मतलब होता है नॉट, तो नॉट इसमें कहाँ पर आएगा, तो नॉट इसमें आएगा हमारा सब्जेक्ट के तुरंत बाद। ये हो गया हमारा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी सेम हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा हो चाहे आरंभ में आ रहा हो दोनों कंडीशन में नॉट हमारा सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। आप इसको चाहे तो नोट करके लिख सकते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द या वाक्य के बीच में आ रहा हो या वाक्य के आरंभ में आ रहा हो दोनों कंडीशन में नॉट सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाते हैं। तो आप इसको उतार लीजिए और सारे नोट लिख लीजिए। अब हम चलते हैं सीधे अपने एग्जांपल पे।
चलिए हम उसको इरेज कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने एग्जांपल की तरफ। हमारा पहला एग्जांपल रहेगा एग्जांपल फर्स्ट क्या हम बाजार जा रहे थे, ये हमारा क्या है, हमारा सेंटेंस है। आइए इसको बनाते हैं। जैसा कि देखने से आपको पता चल रहा है प्रश्नावली शब्द वाक्य के आरंभ में दिया गया है, तो हम इसको नोट फर्स्ट में जो स्ट्रक्चर था उसके हिसाब से बनाएंगे। उसमें क्या था, सबसे पहले था वाज वेयर, फिर आता था हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए मनाते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, इसके हिसाब से यहाँ पे आएगा वेयर। वेयर और वाज कहाँ कहाँ यूज होगा, यहाँ आपको सबसे पहले ही बता चुके हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, प्लूरल के साथ वेयर, क्या क्या हो जाएगा वेयर वी। उसके बाद आ जाएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आई एन जी, उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, वेयर आर वी गोइंग टू मार्केट। ये हमारा इसका राइट ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हो जाएगा जैसे हमारा क्या हुआ, बच्चा रो रहा था, क्या हुआ बच्चा रो रहा था, ये हमारा एग्जांपल है। आइए इसको ही बनाते हैं। तो यहाँ पर चाइल्ड है, एक ही बच्चे की बात की गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा वाज, वाज द चाइल्ड। वाज द क्राइम चाइल्ड, या वाज द चाइल्ड क्राइम, ये हमारा हो जाएगा क्योंकि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए यहीं तक हो जाएगा। आप इसको उतार लीजिए। अपना तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं। लड़के मैदान में क्यों खेल रहे थे, ये हमारा अगला एग्जांपल है। अरे इसको बनाते हैं। लड़के यहाँ पे बहुवचन है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, सबसे पहले प्रश्न शब्द का स्पेलिंग आती है, सबसे पहले स्ट्रक्चर में बताया था, यहाँ पर हो जाएगा वाई और यहाँ पर हो जाएगा वेयर, वाई वेयर बॉयस। नहीं, why were the boys playing in the field, field का हमारा हो जाएगा ये यल है, यहाँ हो जाएगा field। आप field के जगह पर मैदान के लिए आप ग्राउंड लिख सकते हैं, जी आर ओ। लड़के मैदान में क्यों खेल रहे थे, ये हमारा था, इसका हमारा क्या हो गया, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द बीच में है उसके इस पर सबसे पहले लिखेंगे, हमारा हो जाएगा वाई, वेयर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है उसके लिए वेयर आ गया, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा इसका राइट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपना, आप ये नोट करिए, उसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वह कमरे में
क्या कर रहा था। ये हमारा अगला है वाक्य, आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाएगा प्रश्नवाचक शब्द, यहाँ पे क्या हो जाएगा व्हाट, व्हाट वाज ही डूइंग इन द रूम। ये हमारा इसका प्रश्न हो जाएगा, व्हाट वाज द, व्हाट वाज ही डूइंग इन द रूम। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद बोलते हैं हमने अगले एग्जांपल की तरफ। यह हमारा पूरा इंट्रोगेटिव का एग्जांपल था, इसके बाद जो हम एग्जांपल देंगे वो हमारा रहेगा इंट्रोगेटिव और निगेटिव का। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ जो कि रहेगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। चलिए आपने यह नोट कर लिया होगा, इसके बाद हम एग्जांपल दे रहे हैं। यह हमारा पूरा इंट्रोगेटिव एग्जांपल था, इसके बाद एग्जांपल रहेगा जो वो हमारा रहेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। आइए उसको देख लेते हैं। हमारा अगला एग्जांपल रहेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए एग्जांपल है ये। किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था। आपको देखने से पता चल रहा है प्रश्नवाचक वाक्य भी है और साथ साथ इसमें नहीं दिया गया है, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। आइए इसको बनाते हैं। स्ट्रक्चर हमने आपको सबसे पहले लिखवा दिया था, अगर बीच में आए चाहे प्रश्नवाचक शब्द हमारे बीच में आए चाहे आरंभ में आए, दोनों कंडीशन में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगाते हैं। आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा वाई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगी हमारी वर्ब जो कि हो जाएगी वाज, क्योंकि किसान हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, द फार्मर। वाई वाज द फार्मर, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट का उपयोग करेंगे, नॉट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमारा है जोतना, जोतने का होता है प्लफिंग, यहाँ हो जाएगा पी एल जी एच आई एन, हो जाएगा हमारा प्लफिंग, प्लफिंग हिज फील्ड। किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था, ये हो जाएगा why was the farmer not ploughing his field। आप इसको उतारिए, इसका अगला एग्जांपल दे देते हैं। क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे, ये हमारा अगला सेंटेंस है। आइए इसको बनाते हैं। यहाँ आपको पता चल रहा होगा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के आरंभ में दिया गया है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब लगा देंगे, सब्जेक्ट हमारा है प्लूरल, तो वर्ब क्या आ जाएगी यहाँ पर वेयर, वेयर द बॉयज नॉट, बॉयज हमारा शोर मचाने का हो जाता है, बॉयज नॉट मेकिंग अ नॉइस, मेकिंग अ नॉइस मतलब होता है शोर मचाना। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
where the was not making a noise. तो आप इतना नोट कर लीजिए, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे पांच परफेक्ट।